सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। रोड एक्सीडेंट इज वन ऑफ द सीरियस इशू इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। दिल की मिट्टी से प्राणेर माटी। आइए हमें सड़क दुर्घटना मुक्त भारत बनाने की प्रयास में और एक कदम चलें। More than 4,50,000 accidents happened in annually in India. There was more than 50 accidents has been happened in every hour and one death happened every 5 minutes. Friends, do you think is not a serious matter in India? We believe it may possible more sensitiveness and maintaining in safety due to less in annual road accident in our country. जो responsibility आज हम clear कर देता हूँ, ठीक है ना? Responsible driving the staffs and passenger to their destination in safe and timely manner. मतलब है जो आप लोग जो driver है driving करता है तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है जो अपना सवारी को ठीक जगह में ठीक ठाक टाइमली पहुंचा देना, ये इंग्लिश में बोला है, ठीक है ना? इसमें तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट में एक है ड्राइवर्स लोगों को, तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक क्या है, ड्राइव सेफली, मतलब निरापद में ड्राइविंग करना है, ड्राइव सेफली, ठीक है ना? दो नंबर पॉइंट क्या है, ऑबे द ट्रैफिक रूल। आप लोग जब लाइसेंस लिया उसी का टाइम आप लोगों को हर टाइम रूल सिखाया गया, कुछ ना कुछ तो रूल सिखाया गया, ट्रैफिक रूल को मेंटेन कीजिए, जैसे टर्निंग में हॉर्न देना है, हैं, शराब पी के दारू नहीं पीना है, गाड़ी खड़ा करने का बाद उसको पत्थर देना है चाका में, और भी सारे कानून है, और वो रास्ता का बगल में जो सिग्नल रहता है इसमें रेड सिग्नल, इसमें स्लो, ये सब कुछ मेंटेन करना है, ऑबे द ट्रैफिक रूल्स। और तीन नंबर क्या पॉइंट है, रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर ड्राइवर, और आप ड्राइवर है और बगल का जो ड्राइवर है उसको तो मुसीबत में फंस गया, उसको भी हेल्प करना है, रेस्पेक्ट करना है, दूसरा ड्राइवर को सम्मान देना है, तब तो आप जो एक कहानी है जो अपना दूसरे को सम्मान देते तो खुद को सम्मान मिलता है ना। बस रेस्पेक्ट द अदर्स ड्राइवर्स, रेस्पेक्ट द अदर ड्राइवर्स। आप लोगों को जिम्मेदारी, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ये तीन मेन पॉइंट है आप लोगों को। और ट्रक जो लोग चलाता है तो आप लोग तो ट्रक नहीं चलाता है, लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए, पिकअप गुड्स मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स वो लोग पिकअप करते हैं एक जगह से और एक जगह लेके जाता है, वेरीफाई लोड्स फॉर एक्यूरेसी, और जो लोड करता है कभी कभी ट्रक में लोड करता है उसको लोड का एक चार्ट होता है, जो ये ट्रक में इतना तो लोड होना चाहिए, इसका ओवर भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ड्राइवर फॉल्टी कर देते हैं, ये करना नहीं चाहिए। तीन नंबर डिलीवरी डैमेज इंस्ट्रक्टेड, जैसा है जो जब लोड होता है तो दूसरा जगह में जाकर बोलता है ऐसे ऐसा गिराओ, ऐसे ऐसा माल ले करो, वहां से लाओ, ऐसे ऐसा फॉलो मेंटेन करो, ऐसा होना चाहिए। तीसरा नंबर है क्वालिटीज, एक ड्राइवर को क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्वालिटी तो पांच टाइप है, ए यस, आप लोग तो सभी कम थोड़ा ज्यादा सभी पढ़ाई लिखाई है, तो ये देखिए एस एम ई वाले पांच टाइप का है, इसका मतलब कि ए मतलब क्या है, ए मतलब है अलर्टनेस, आप जब ड्राइविंग करेगा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है ना? आप किसी को बात में हम क्या बोला कौन क्या बोला किसी को बात में आप जय हिंद जय हिंद। मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पुनः अपने आपको सुरक्षा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बचाव के प्रति। मेरा नाम विदेश राय है, मैं एक ड्राइवर हूँ, और मैं गाड़ी चलाने से पहले हॉर्न ब्रेक लाइट सब चेक करके मैं चलाता हूँ। सर मेरा नाम संजीव तामांग है, मैं एक ड्राइवर है, जो कि मेरा गाड़ी है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन जब गाड़ी चलाते समय करेंगे तो दूसरा के लिए भी नुकसान है और खुद के लिए भी नुकसान है। मेरा नाम मोहन है, मैं ड्राइवर हूँ, और एक बात, इस गाड़ी पर जो भी सवारी आने जाने वाले होते हैं उन लोग स्मोक नहीं करना और ड्रिंक नहीं करना, उस तरह से सब किसी की जान खतरे में आ जाती है, मेरी और सवारी का भी, और रोड में जो चल रहा होता है उसके लिए भी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद। मेरा नाम यनरेन है और ये मेरा गाड़ी है, और मैं गाड़ी चलाते वक्त हर डर्निंग में हॉर्न बजाता है, आप लोग भी हॉर्न बजाया करो सेफ्टी के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है टशी, और मैं
दारू पी के कभी गाड़ी नहीं चलाते हैं, और आप लोग भी दारू पी के गाड़ी कभी ना चलाएं और ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। मेरा नाम कुमार विश्वकर्मा है, हम एक ड्राइवर है। ये गाड़ी चलाने टाइम में सब ट्रैफिक पॉइंट फॉलो करना है, और ट्रैफिक पॉइंट लोग सब ध्यान दे के चलना है, और खुद को भी सेफ्टी है और दूसरा लोग के लिए भी अच्छा है।